बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए, आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल दही वड़ा। ये माश के दही वड़े बनाएंगे हम। ये माश की दाल को हम आधे घंटे के लिए भिगने रख दिए थे। अब इसे हम हरा धनिया, पुदीना और थोड़ी सी हरी मिर्च डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसे अच्छे से थिक पेस्ट बना लेंगे हम। थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिए और थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट डाल लीजिए और हरी मिर्च भी थोड़ी हम कम लगी तो और डाल लिए हरी मिर्च। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा पानी आप डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब एक साइड हम दही ले लेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, हरी मिर्च पेस्ट डाल लीजिए और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लीजिए और इसे अच्छे से फेंट लेंगे हम। और थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे इसमें। ये रेडी हो गया है। अब एक साइड हम ऑयल ले लेंगे, इसे फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, इसे अच्छे से अंदर तक कुक होने का है। ज़्यादा आप हाई फ्लेम मत रखिए। डालने के बाद भजिए, थोड़ी देर के बाद आप इसे टच करिए। ये देखिए अच्छे से ये हो गए हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। अब ये हो गए हैं रेडी। अब इसे निकाल लेंगे हम। अब एक साइड हम पानी ले लिए हैं, इसमें थोड़ा सा नमक डाल लीजिए। इसे मिक्स कर हम इसमें जो हम भजिए तले हैं ये इसमें डाल लेंगे। कई लोग डायरेक्ट दही में डालते हैं, लेकिन हम इसमें पानी में डालेंगे तो अच्छे से सॉफ्ट बनेंगे। आप इस तरह से ट्राई करिए। थोड़ी देर के लिए रखेंगे 5 मिनट। अब इसका पानी हम जितना निकल सकता है हल्के हाथ से इसे निकाल लेंगे। ज़्यादा प्रेस मत करिए, नहीं तो टूट जाएंगे भजिए। हल्के हाथ से निकालिए। देखिए इस तरह से सारे हम निकाल लिए थे। अच्छे से इसे डिप कर लीजिए दही में। अब एक साइड हम बघार बना लेंगे। ऑयल ले लेंगे, ज़ीरा ले लीजिए, राया ले लीजिए। आपको जितना हिसाब से है आप उस हिसाब से बना लीजिए। करी पत्ता डाल लेंगे थोड़ा सा। बघार रेडी हो गया है। अब इस पर हम डाल देंगे। मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब इसे टेस्ट करके देख लेंगे। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं ये, बहुत अच्छे बने थे ये, बहुत टेस्टी बने थे। तो चलिए फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।